तो ये देखो प्यारे बच्चों, ये भी जो है ऊपर वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे 48, उसी से पैरेलल ये क्वेश्चन रखा हूँ। इससे क्या होगा कि वो जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट था वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, और इस क्वेश्चन से हमें सीखेंगे कि टेंजेंशियल एक्सलेशन, नॉर्मल एक्सलेशन, टोटल एक्सलेशन कैसे निकालते हैं 2D 2 डायमेंशनल मोशन में। तो एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे दी हुई है। वेलोसिटी वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी टी यहाँ से जे कैप, ठीक है। और जब समय टी ये हुआ होगा ए बाई बी रूट थ्री, उस वक्त टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन और टोटल एक्सेलरेशन हमें निकालना है, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं पार्टिकल कर्व पे चल रहा होगा ऐसे कहीं। तो इस पॉइंट पर तुम देखोगे तो टेंजेंशियल नॉर्मल एक्सेलरेशन, इस पॉइंट पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे आ रहा होगा ए टी, और नॉर्मल एक्सेलरेशन हमेशा कर्व के, ठीक है ना, कर्व के अंदर ये ऐसे जाएगा, दैट इज़ द नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज़ द नेट एक्सेलरेशन, ये आएगा। तो इन तीनों की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है ना। सिंस एक्स वाई प्लेन में है पार्टिकल, एक प्लेन में है, तो ये दोनों आपस में टेंजेंशियल और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर आएंगे। तो नेट एक्सेलरेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा नॉर्मल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, और ये सब कुछ अंडर रूट। तो सबसे पहले हम अगर नेट एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, नेट एक्सेलरेशन निकालना आसान है। जब नेट वेलोसिटी दिया हुआ, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ नेट वेलोसिटी, ये जो है वो नेट वेलोसिटी दिया हुआ है। तो नेट वेलोसिटी दिया हुआ वेक्टर फॉर्म में, तो नेट एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में निकाला जा सकता है। नेट एक्सेलरेशन जो है नेट वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में, उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दोगे तो यहाँ से डी ओवर डी टी इज इक्वल टू, यहाँ से ए आई कैप, ए और बी कॉन्स्टेंट है, बी टी जे कैप, तो इसका कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, और यहाँ से बी कॉमन आ गया, टी का टी के रिस्पेक्ट में जे। तो नेट एक्सेलरेशन यहाँ से जो वेक्टर फॉर्म में आ गया दैट इज़ बी जे कैप, मतलब नेट एक्सेलरेशन ऐसे आ गया। अब मुझे मैग्नीट्यूड में चाहिए, तो नेट एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा बी। यहाँ से अपना फर्स्ट पार्ट, यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल एक्सेलरेशन बी होगा, ठीक है ना। मतलब ए ऑफ मतलब ये सब में बी दिया हुआ। तो चलो सबसे पहले अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या लॉजिक बताया था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए स्पीड का डेरिवेटिव, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी, वेयर वी जो है वो स्पीड है। तो सबसे पहले मैं स्पीड निकालूँ, तो स्पीड वी मॉड कितना हो जाएगा, तो स्पीड वी मॉड आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी और टी का होल स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज द स्पीड वी। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा यार, तो चलो इसका डेरिवेटिव करेंगे तब जाके मुझे मिलेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डी ओवर डी टी, और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस यहाँ से बी स्क्वायर टी स्क्वायर, यहाँ से अंडर रूट इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1/2 यहाँ से बाहर आ गया, और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस यहाँ से बी स्क्वायर टी स्क्वायर की पावर 1/2 में वाइन माइनस वन कम हो गया, और ये चेन रूल भी लगेगा। जो अंदर फंक्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, इसका भी डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ से तुम देखोगे, जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा 2, और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस यहाँ से बी स्क्वायर टी स्क्वायर अंडर रूट, और ये यहाँ पर तुम देखोगे इसका डेरिवेटिव होने, तो एक आ गया 0, और बी स्क्वायर बाहर आ गया, 2t का डेरिवेटिव 2t, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। तो फाइनली यहाँ 2 ख़त्म हो गया, मतलब बी स्क्वायर टी ऊपर बचा, और फाइनली इधर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर अंडर रूट। तो ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो टाइम डिपेंडेंट आ रहा, टाइम का फंक्शन आ रहा, ठीक है न। अब हमें टाइम यहाँ पे दिया हुआ था, टाइम कितना था ए बाई बी रूट थ्री, उस वक्त हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा था यार, लेकिन टेंजेंशियल वाला कर रहा था। तो टाइम इज इक्वल टू कितना यहाँ पे दिया हुआ, तो टाइम की वैल्यू देखो ए बाई बी रूट थ्री दिया हुआ है। तो इस वक्त यहाँ पर रख दोगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा इस वक्त बी स्क्वायर, और टाइम की वैल्यू यहाँ रखता हूँ ए रूट थ्री डिवाइडेड बाई बी, और यहाँ से इसको सॉल्व करूँगा, ए स्क्वायर पहले से चला आ रहा था बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर और थ्री, और ये सब कुछ अंडर रूट।
तो यहाँ से तुम देखोगे बी स्क्वायर ने बी स्क्वायर को ख़त्म कर दिया, एक बी ने एक बी को ख़त्म कर दिया, तो ऊपर बचा ए बी रूट थ्री और नीचे बचा 4 टाइम्स ए का स्क्वायर अंडर रूट, मतलब यह आ जाएगा ए बी रूट थ्री और डिवाइडेड बाई यहाँ से 2 ए बचा, तो ए ने ए को ख़त्म कर दिया, मतलब बी रूट थ्री डिवाइडेड बाई 2, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंजेंशियल एक्सलेशन। ये जो है टेंजेंशियल एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड इतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बी रूट थ्री बाई 2, तो टेंजेंशियल एक्सलेशन बी रूट थ्री बाई 2, तो टेंजेंशियल बी रूट थ्री बाई 2, मतलब अपना ए ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है ना। दिस इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट, क्योंकि टेंजेंशियल बी रूट थ्री बाई 2। नॉर्मल एक्सलेशन में निकाल लो तो हम सबको पता है ये दोनों एक्सलेशन आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब नेट एक्सलेशन इज इक्वल टू यहाँ से नॉर्मल एक्सलेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सलेशन का स्क्वायर अंडर रूट। अब नेट एक्सलेशन हम सबको पता है यहाँ से बी है, तो बी का स्क्वायर और नॉर्मल एक्सलेशन ए एन का स्क्वायर, रूट हटा दिए, इसका स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर थ्री डिवाइडेड बाई 4, तो नॉर्मल एक्सलेशन की स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस 3b² डिवाइडेड बाई 4, मतलब यहाँ से 4 कट गया तो यहाँ से बी स्क्वायर अपन 4 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल एक्सलेशन की जो वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर बाई 4 अंडर रूट, मतलब ये आ जाएगा बी बाई 2, तो नॉर्मल एक्सलेशन बी बाई 2, टेंजेंशियल एक्सलेशन बी बाई 2, नेट एक्सलेशन बी, मतलब ये हुआ अपना बी ऑप्शन मैच कर गया। आई होप आपको मज़ा आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।